हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों से मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं अब इस बार चुनाव में अपनी जीत के लिए नए नए वादों को लेकर जनता के बीच भी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रदेश में किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार भी कर रहे हैं। और इसी को लेकर खास बातचीत की आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। बीजेपी ने सांसदों की बैठक की, कांग्रेस ने अपनी जो नए जो प्रदेश प्रभारी है वो बना दिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जो नई टीम है उसका गठन हो गया है। किस तरह की तैयारी जो है, खासतौर पर अगर अभी समझना चाहे तो, आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई जमीन जो है हरियाणा में नहीं है। ये दिल्ली के अंदर भी कहते थे हमारी कोई जमीन नहीं है, ये पंजाब के अंदर भी कहते थे हमारी कोई जमीन नहीं है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा को बदलने के तैयार है। हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब जैसे स्कूल बने, दिल्ली और पंजाब जैसे मोहल्ला क्लिनिक बने, हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब की तरह बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार मिले, नशे पे लगाम लगे, अपराध पे लगाम लगे, महिलाएं आगे बढ़ें, दिल्ली और पंजाब की तरह फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिले। अब हरियाणा बदलने के लिए तैयार है। गठबंधन को लेकर जिस तरह की स्थिति पिछले दिनों देखने को मिलती हुई नजर आई, सामने से बयानबाजी होती है, जननायक जनता पार्टी की बयानबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती है, आप आम आदमी पार्टी किस तरीके से गठबंधन की इस बयानबाजी को देख रही है, और आगे आने वाले समय में गठबंधन को लेकर अगर परिस्थितियाँ और ज़्यादा कड़वी देखने को मिलती हुई नजर आती है तो क्या आम आदमी पार्टी किस तरीके का कदम उठाएगी? ये खट्टर सरकार 8.5 साल में ना अच्छे स्कूल बना पाई, ना अच्छे हॉस्पिटल बना पाई, ना बिना पर्ची खर्ची के बच्चों को रोजगार दे पाई, ना किसान की हालत को सुधार पाई। केवल इसको गठबंधन को ठगबंधन, एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ठगबंधन हुआ, एक दूसरे को गालियां देके चुनाव लड़े और चुनाव से पहले फिर ये गालियां देंगे। परंतु आज जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी है बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, ये बयानबाजी है अपराध से ध्यान हटाने के लिए, ये बयानबाजी है महंगाई से ध्यान हटाने के लिए। ये जो हर मुद्दे पे हरियाणा सरकार फेल हुई है, गठबंधन सरकार फेल हुई है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी है। चुनाव से पहले अगर गठबंधन टूटता है, अगर आम आदमी पार्टी को अप्रोच किया जाता है या फिर आम आदमी पार्टी के अप्रोच करती हुई नजर आई गठबंधन के संदर्भ में किसी तरीके से? आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, हम तय कर चुके हैं। एक अंतिम प्रश्न, किसानों के संदर्भ में जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और इससे ही जुड़ा हुआ कि आज हरियाणा भी बंद जो है किया गया है, किस तरीके से इस परिस्थिति को देख रहे हैं? यह हरियाणा की बेटियां, देश की बेटियां, देश के लिए मेडल लाने वाले, देश का नाम दुनिया के अंदर ऊंचा करने वाले, इनके खिलाफ जो षड्यंत्र और यौन अपराध भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण ने किया है, सारे देश ने देखा है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।